ओ भाई यहाँ पे तो काफी गड्ढा है भाई। और भाई इस गाड़ी को ना सस्पेंशन बिल्कुल नहीं होते, अगर इसको सस्पेंशन लगा दो ना तो भाई हर दिन खराब होने वाले। भाई बैल तो फंस गए थे, ये देखो काफी ज्यादा गड्ढा, गहरा है गड्ढा गाइस। वेलकम टू न्यू वीडियो गाइज। आज जो है ना हम ऐसी गाड़ी की सवारी करने वाले हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस गाड़ी की सवारी सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, ये तो किसान कर सकते हैं या तो जो गांव में रहते वो कर सकते हैं। हम यही इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें लोड भी है कुछ सामान जो इसके अंदर जो है बोरिया, कुल 8 बोरिया है और 8 बोरियों में जो है वो भुईमुंग की शेंगा है। भुईमुंग हमारे यहाँ जापान की शेंगा बोलते हैं, जापान किसी तरफ भुईमुंग किसी तरफ मूंगफली कुछ भी बोल सकते हैं इसको, हर तरफ इसका नाम जो है अलग अलग है। और इस गाड़ी को आप ध्यान से देखो, ये गाड़ी कहीं भी चल सकती है, जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलती वहाँ पे ये गाड़ी चलती है। और भाई आज जो है हवा ज्यादा है तो मेरा आवाज जो है क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी लोडेड है। आज इसकी सवारी हम करने वाले हैं और इस गाड़ी का जो इंजन है ना भाई, ये दो बैल, इसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। और ये जो बैल है ये खेतों में काम करने के लिए, जो कि खेत जोतने के लिए बहुत सारा, इनके बिना तो खेती हो ही नहीं सकती भाई, मेरा कहना ये है। अगर ये दो बैल है तो ही खेती है, वरना खेती नहीं हो सकती, क्योंकि इनके भरोसे सब किसान खेती कर सकता है। तो चलो आज इस गाड़ी की जो है सवारी करते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी में कितना मजा आता है, क्या है, तो हम आपको भी दिखाएंगे। और ये गाड़ी वहां चल सकती है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलती भाई, क्योंकि ये खेतों में चलती है। इसके टायर देखो आप, पूरे जो है लोहे के टायर है, जो पंचर होने की कोई बात ही नहीं है, वे पंचर ही नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जब इसको कहीं भी चला दो, खड्डे में चला दो, पानी में चला दो, या फिर रबड़ी रास्ते पे चला दो, जहाँ पे पत्थर वत्थर भी हो वहां पे भी चल सकता है, कहीं भी चल सकता है। इसके लिए ये टायर बने हैं, ये जो पंचर ही नहीं हो सकते। तो चलो इसकी सवारी करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल रेडी है सवारी के लिए, अब चलो इसको लेके चलते हैं। तो गाइज फिलहाल अभी हमारी जो गाड़ी है वो चल रही है और मेरे हाथ में देख सकते हैं इसकी स्टीयरिंग है, जो कि ये रस्सी है, और इसको चलाने के लिए एक लकड़ी की भी जरूरत है, एक छोटी सी। और ये स्टीयरिंग ये है, इसको अगर टाइट करेंगे तो ये गाड़ी इस तरफ जाएगी और इसको मूव करेंगे तो इसके तरफ जाएगी। ये स्टीयरिंग है गाड़ी की, दो रस्सी जो है, और भाई इनको ऐसे हकलना पड़ता है तभी ये गाड़ी चलती है। तो आप रास्ता देख सकते हैं गाइस, जो रास्ता है ना भाई, ऐसे रास्ते पे कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, अपनी टू व्हीलर भी नहीं चल सकती भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कीचड़ है, विचड़ सब कुछ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक कीचड़ कीचड़ कुछ भी नहीं चल रही है। इस गाड़ी तो कहीं भी जाने वाली भाई, कीचड़ में भी कुछ नहीं होता इस गाड़ी को, और कहीं भी चला दो ये पीछे नहीं हटने वाली भाई। ये देखो यहाँ पे कितना गड्ढा है, तो ओ भाई यहाँ पे तो काफी गड्ढा है भाई। ओ भाई बैल तो फंस गए थे, ये देखो काफी ज्यादा गड्ढा, गहरा है गड्ढा गाइस। अगर यहाँ पे दूसरी गाड़ी होती ना तो पलटी हो जाती। और इनका फ्यूल जो है ना भाई, चलते चलते भी ये फ्यूल ले लेती है गाड़ी, देख सकते हो, ये तो खाते खाते भी चलते है गाइस। रास्ता बहुत खराब है यार, सच में रास्ता खराब है, ये देखो यहाँ पे गड्ढा है। अभी रास्ता जो है दूर है, अभी हम खेत में से घर जा रहे हैं तो अभी रास्ते पे लग जाएंगे, वहां पे रास्ता है जो आगे है। और भाई आप जो है रोड पे लग चुके हैं, और भाई इस गाड़ी की स्टेबिलिटी जो है ना बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल जो है बिल्कुल अच्छे से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो मोबाइल है ये हिल रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है स्लो चल रही है बिल्कुल, और रास्ता जो है भाई अच्छा नहीं है, थोड़ा बिल्कुल ऊपर नीचे, इसकी वजह से भी ज्यादा हिल रहा है। और भाई इस गाड़ी को ना सस्पेंशन बिल्कुल नहीं होते, अगर इसको सस्पेंशन लगा दो ना तो भाई हर दिन खराब होने वाले क्योंकि ये गाड़ी कहीं भी चल सकती है, इसकी वजह से इसके सस्पेंशन कुछ भी नहीं है। आगे सामने जो है अच्छा रास्ता है, वो आपसे शूट करेंगे। इसमें बहुत मोबाइल जो है हिल रहा है और मेरी आवाज भी जो है हिलने की वजह से ठीक नहीं आ रही। तो भाई रोड पे लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आ रही भाई, गाड़ी ऐसी है कि स्टेबल नहीं रहने वाली।
आप देख सकते हैं यार। हाय गाइस, तो फिलहाल हम बैलगाड़ी में है गाइस, ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये सामान भी है। जो सामान के ऊपर बैठे हम, जो भुईमंग की शेंगा है उसके ऊपर बैठे है, और ये गाड़ी चल रही है देखो यहाँ पे। इस गाड़ी का कंट्रोल वाइब सब पूरा मेरे हाथ में, ये देख सकते हैं यहाँ पे। एक छोटी सी लकड़ी इसलिए ली क्योंकि इनको जो है ना धमकाना पड़ता है, इसकी वजह ये जब धमकाएंगे तब अच्छे से चलते, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेंगे धीरे धीरे। ये देखो कितने धीरे धीरे चल रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत धमकाएंगे ना इस लकड़ी से छोटे से तो अच्छे चलेंगे। और भाई इस गाड़ी की जो स्पीड है ना, एक घंटे में ये लगभग 8-10 किलोमीटर चली जाएगी मेरे हाथ फिलहाल। अगर धीरे से चलाओगे तो देर लगेगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जोर से भगाओगे इनको तो 10-12 किलोमीटर तक आराम से चली जाएगी एक घंटे में। तो रफ्तार देख सकते हैं आप गाड़ी की। अभी फिलहाल जो है गाइज हम गांव की तरफ आ गए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे गांव में जाने का रास्ता है। तो गाइज हम फिलहाल अभी घर पर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अभी जो ये शेंगा है ये निकालेंगे और छत पे लेके जाएंगे यहाँ पे। तो गाइज अपनी बैलगाड़ी जो है खाली हो चुकी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है शेंगा यह धूप में सूखने के लिए डाल रही है। अगर ये अच्छे से सूख जाएंगे तो ये खराब नहीं हो सकता कभी भी। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऊपर छत पे सूखने के लिए डाला ये, और अपनी जो बैलगाड़ी है ना गाइस वो नीचे है। मैं आपको बैलगाड़ी दिखाता हूँ, ये देखो ये रही अपनी बैलगाड़ी जिसमें हम आए थे गाइस। ये जो है ना गिल्ले है, देख सकते हैं आप। इसमें ये जो है ना अभी सूखी नहीं है पूरी तरह से, गिल्ले हैं इसमें। अगर इसको ऐसे ही रख देंगे ना घर में तो ये खराब हो जाएगा। ये ऐसे ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आया नहीं इसको बुरसी बोलते हैं। अगर ये ऐसे हो जाएगी तो सब खराब हो जाएगी ऐसे भी रख देंगे तो गिल्ले, इसलिए सूखने के लिए डाले धूप में। तो चलो गाइज आपको वीडियो में मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।